दहेज का कंबल निकाल रहा है भाई, लग रही है ठंड से। हट, अरे अरे अबे मान जा साले, दहेज है। ये लड़ पता नहीं क्यों रहे। भाई साहब ने बर्फी उठाई, अंदर खाना खिला रहा है, भाई साहब ने बर्फी उठाई तो मक्खी आ रही है उसमें, उठा के यूं करके जाती है, मक्खी मेला हो मुझे दे रहा है, मैं पकड़ लाऊंगा वो। और आगे बढ़ाएंगे, बस पूरी गाड़ी फुल हो चुकी है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। अभी मैं जा रहा हूँ आकिब के घर, क्योंकि इसकी कॉल आई थी। इसके भाई है ना आमिर भाई, उनकी शादी में जैसे 4-5 दिन रह गए, तो आज हम लोग उनके ससुराल जा रहे हैं। दहेज का कुछ सामान है वो लेकर आना है, तो उसकी कॉल आई थी, बोले जल्दी से आ जा। टाइम चेक कर सकते हो, अभी जस्ट 1 ही बज रहा है, और उसने बोला अभी आ जा फटाफट, 2 बजे तक हमें निकलना है। खाना वाना तो खा लिया और रेडी हो चुका हूँ, तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं। तो फाइनली भाई साहब मैं निकल चुका हूँ, अभी यहाँ से मुझे दिल्ली रोड तक जाना है, दिल्ली रोड से मुझे आगे पिक कर लेगा, तो अपनी मेट्रो का स्टॉप आने वाला है। अब यहाँ से मुझे ऑटो करनी है दिल्ली रोड के लिए। ऑटो नहीं दिख रही यार, लेकिन भीड़ जरूर दिख रही खाने पर। फाइनली ऑटो भी मिल चुकी है, अभी हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली रोड के लिए। करोले के पुल पे तो यार हर वक्त ही जाम रहता है यार। यार मैं तो अपनी लोकेशन पे पहुंच गया, ये कहाँ रह गया, अभी तक आया ही नहीं। सब बढ़िया है, और जल्दी आ जाता। फाइनली 10 मिनट वेट कराने के बाद आ गया लौंडा। टाइटल तो हमने दे दिया तुम्हारा दहेज को। टाइटल आज का टाइटल आगे हमने दिया है भाई मुझे। और ऊपर तो दे रहे हम दोनों ही काफी थे, दो भाई और हैं साथ में। अभी कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं उसके बाद हमारी गाड़ी आती है, अच्छा अभी हम लोग आगे के घर जा रहे हैं, उसके बाद गाड़ी आ रही है, फिर गाड़ी में बैठ के निकलते हैं। कहाँ? जसपुर। माल उठा के लाएंगे दहेज, तो कुल मिला के बहुत मजा आने वाला है। बाकी अब तुम्हें दिखाते हैं डीजीएम में बैठ के, तो भाई साहब अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने मंजिल के लिए। का खड़ी भाई गाड़ी का तो नहीं दिख रही आप। बस थोड़ी सी आगे गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में बैठ के जाएंगे, वहाँ से जो सामान है वो लोड करा के लेके आना है बस। और ये भाई हमारे आ रहा होगा बिल्कुल, प्रैक्टिस हो गई और सब बढ़िया है। ये आकिब के दोस्त है, मतलब मेरे भी दोस्त हुए। लेकिन कुछ भी यार धूप बहुत तेज निकल रही है, ये जो पेड़ है ना इनकी वजह से ठंडक बहुत ही हो गई, लू पता नहीं चल रही, बहुत बढ़िया हवा चल रही है। क्या लू? दावत करने गया था भाई के अंदर। और वो आ चुके हैं भाई साहब डीसीएम, इसमें ले जाना है सारा सामान। आगे अबे गमछे कैसे डाल रखा तू नहीं है? अरे भाई ये बड़ी बढ़िया चीज है गर्मियों के लिए। इशारेबाजी चल रही है वहां से, समझ गए होंगे तेरे इशारे ये। हाँ, अरे यार सब तुम ना समझ जाते हो। ये लग रहा भैंसे लेने जा रहे हैं। और यार तो बैठेंगे इसमें सब लोग। अबे कैसे आएंगे इसमें? क्या ले अबे, इधर आना है उधर जाना? इधर कैसे आ जाएंगे? अरे बहुत जगह भाई, पलो तो मार के बैठेंगे। चल चल जूते उतार दे, पीछे को बैठ जा शताब। यार मैं भी पीछे बैठूंगा, मैं भी। और आगे भी रहेंगे, बस पूरी गाड़ी फुल हो चुकी है। रुक जा पैर निकाल ले, आ जा तेरे को बंद कर ले। अरे हाय और यहाँ चारों के चारों फिट हो चुके हैं। मैं तो लेट गया, ड्राइवर से कह रहा तुम पीछे बैठ जाओ, हम चलाते हुए लेके चलेंगे। चचा है चचा, कितनी देर में पहुंचेंगे हम? ऐसे चलेंगे तो रात के बाद तक पहुंचेंगे। और पीछे हो सकता है ना, हो सकता है अभी तक जगह की
दिक्कत चल रही, फंस के बैठा है ना आगे बैठा है क्या कह रहे थे आप भाई साहब? उधर से आएंगे तो बेड लगा के आएंगे और बिस्तर पर सोते हुए आएंगे। उधर पीछे पीछे उधर का भी तुम्हें दिखाएंगे, तू हो रहा है अभी दिखाएंगे, सब दिखाएंगे। और अभी तो कुछ कह रहा था, क्या कह रहा था? नंबर चच्चा के साथ चाल लोटे और सावे तो बता रही है अभी भाई साहब हम लोग रुके हैं डीजल डलवाने के लिए। मेरी सीट पे कोई नहीं बैठेगा, कोई आ गई कब, जगह ही नहीं है यहाँ पे। और यार खेतों से होती भी बड़ी प्यारी ठंडी ठंडी हवा आ रही है यार, देख सकते हो आसपास बस खेत ही खेत हैं। भाई साहब बड़ी प्यास लग रही थी तो एक छोटी सी शॉप दिखी मुझे, मैं सोचा तो प्यास नहीं थी बुझा लेता हूँ, देखता हूँ क्या क्या रखा है इनके पास। अरे दुकान पे तो कोई है ही नहीं, अरे कोई है क्या भाई? दुकान पे कोई है ही नहीं, आगे से ही लेना पड़ेगा। आगे चलते हैं यार, मैं दुकान पे कोई होगा प्याज बुझ जाएगी लेकिन कोई था ही नहीं। तो भाई साहब फाइनली हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, अभी अंदर जाके थोड़ा नाश्ता वाश्ता करना है, तो अभी जब सामान चढ़ाएंगे तो अभी मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। और अपने भाई लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं अंदर जाने के लिए, बुला रहे हैं यार उसको तो देर लगेगी, तो हम लोग ही जा रहे हैं। भाई साहब अभी नाश्ता किया, पेट फुल, मजे ही मजे, मजा आया, पेट फुल हुआ या नहीं ये बता। हाँ भाई मुझे खाट डाल ली, मजे मजे। अभी हमने पलंग भी भाई साहब ने बर्फी उठाई, अंदर खाना खिला रहा है भाई साहब ने बर्फी उठाई तो मक्खी आ रही है उसमें, उठा के यूं करके जाती है, मक्खी मिला मुझे दे रहा है, मैं पकड़ ला रहा हूं। आप देख सकते हो घर के बिल्कुल सामने ऐसा ऑन रोड बैठे हैं भाई, और सामने बिल्कुल एक ढाबा है, भूख लग रही है, बहुत शानदार ढाबा इधर। अच्छा इधर इस ढाबे वाले दो बार बुलाया। अच्छा भैया वो बुला रहा है ढाबे में, ढाबे भैया बुला रहा है मैं, लेकिन हम नहीं जा रहा है क्योंकि पेट फुल हो गया यार। मौसम क्या कह रहा है, क्या कह रहा है मौसम, पूछ के बताओ। बैठ जाओ, तुम खड़े क्यों हो गए, बैठ जाओ, आ जाओ थक यार, बैठ बैठ। अच्छा यार कुछ भी गाँव से बढ़िया बहुत बेहतरीन हवा चल, नाश्ता बजाय बहुत बेहतरीन हवा चल रही है ना, बहुत बेहतरीन हवा चल रही है। और जिस गाड़ी में हम बैठते हैं उसके पीछे भी लिखा आया सावन झूम के, गाड़ी चलेगी घूम के। भाई साहब ड्राइवर साहब तो आ रहे हैं अब, हाँ ड्राइवर साहब कहाँ गए, अंदर बैठे हैं अब, उनको भी तो भूख लग रही है, सोच रहे होंगे चारों का पता नहीं है। जा रहा है ड्राइवर साहब को देखने, उनको पूछा भी नहीं, वो अंदर ही बैठे हैं बेचारे भूखे, पूछने गया कुछ खाया या नहीं। भाई साहब अभी मगरिब का टाइम हो चुका है, हम लोग जा रहे हैं मगरिब की नमाज पढ़ने, आओ यार नमाज पढ़ने चल रहे हैं। हम यहाँ जसपुर का घूम रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने मगरिब की नमाज तो अभी जस्ट अदा कर दी, अभी हम लोग देखते हैं कि सामान में क्या देरी है, कितनी देर में लोड होगा, देखते हैं देखते हैं, है ना, देखते हैं। तो भाई साहब अभी लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये सब अंदर डालो, और देख सकते हो हम लोग अभी लोडिंग करा रहे हैं। तो प्लाई रखते आ जाएगा, प्लाई निकालिए, प्लाई पीछे से, ये जगह कम है अभी, वो बड़े सब आ जाओ यार, परेशान हो गए तो जाओ, देख लो खरीद रखे। अब अभी शुभम भाई ने चोट मार ली यार, गंदी लगी है वैसे तो, पर कोई बात नहीं, बहुत लगी यार, देख लो थकन तो नहीं हुई, थकन भाई साहब यहाँ पे 50% से ज्यादा लोडिंग हो चुकी है, जितना चेक करके रहोगे उतना दिक्कत ना पड़ेगी, 60-65 किलोमीटर सही बात है, झटके बहुत है, तू तो कूदा नहीं था जैसे, हाँ यार बेचारे के बहुत चोट लग गई मेरी, ओढ़ मत ना दादा भाई, कोल्डिंग में आ रहा, अबे इसके ऊपर क्यों, अभी तो इसमें सामान आएगा बहुत, वो करना क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हो ये, पलाई रख रहे हैं। अच्छा इसके ऊपर पलाई रख, प्लाई रखोगे इसके ऊपर, अच्छा जी पी लो यार, उंगली से, अरे बस मैं नहीं पी रहा, मैं पी लूंगा, अरे इसमें डाल दो,
ना 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 इनको दे दो दे 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 पूरी फ्रेंड लो यार मेरे से दे दो दिल गर्मा जवाब आ गया आधी आधी करके खत्म करो यार अरे ले लो ये कितना सीधा कितना बन रहा है ये बात देखें आप अरे ले लो ओ हीरो फ्लाइट उड़ जाएगी फ्लाई आलू ने मजबूत प्लाई बनवाया अभी थोड़ा सा रेस्ट लिया कोल्ड ड्रिंक पी रहे क्योंकि थक गया था ना बहुत ज्यादा यार प्यास लग रही थी अमान भाई कुछ काम भी कर लो खाली खड़े रहोगे शादा भाई दो गिलास कोल्ड ड्रिंक पी के कैसा लगा ये लड़ पता नहीं क्यों रहे घर से फोन आने चालू हो गए हैं और यहाँ रात हो चुकी है अब तक हमें मुरादाबाद पहुँचना चाहिए था अब भी बहुत सामान रहेगा और मेरी दो उंगली बहुत ज्यादा हैवी मामला अमान भाई फटाफट काम करो यार पहले पता होता मैं काम करने नहीं आया व्लॉग बनाने आया हूँ तो मैं यही साइड खड़ा हो जाता खामा का लगवाई ना मेरे चोट ये सब सामान हमने चढ़वाया दोनों ने शुरुआत तो मैंने ही करी थी बलिदान तुमने बलिदान मैंने दिया है आगे भाई एक बार साइड टेबल मंगा लो साइड टेबल लेटा के ना उस पर ये स्टूल रख देना रुक जाओ शादा भाई रुक जाओ इन्हें एक बार हटाना एक बार हटाओ पहले ऊपर वाला इससे डालो हाथ बचाना हाथ में ना लगे बस बस ठीक है यहाँ पे यहाँ पे आउट खड़े होके जाएंगे तो आराम से पकड़ के भी ले लेंगे कोई दिक्कत आउटर डाल दो यहाँ पे एसी का अभी सामान सेट कर ही रहे हैं यार भाई साहब आपको राज बता रहा हूँ पैंट फटी है ना इधर चचा इधर बीच में पैंट क्या फटी तुम्हारे तुम तो सब कुछ भूल गए बीच शादा भाई ने यहाँ एसी डाल दिया है में ये नीचे को जाएगा बार बार नहीं जाएगा नहीं जाएगा कहीं नहीं जाएगा ये नीचे जा ही नहीं सकता जगह होनी चाहिए ना नीचे वैसे बैठने की जगह है कहाँ कहाँ बैठोगे पटरी चचा तो पटरी बैठ के चला जाएगा भाई का ये बलिदान हो चुका है जरा सा सा पर अपना तो दो उंगली का ये याद रखना दो बूंद जिंदगी नहीं आगे भाई का हो चुका बलिदान हाँ हो गया हो गया हाँ पलंग पलंग तो हवा में टांग लेंगे हवा में टांग लेंगे दो टांग इस पर रख लेंगे दो टांग उस पर रखेंगे पलंग की और ये है हमारे अच्छे कैमरामैन दो घंटे से ओ एक घंटे से सेट करा रहे हैं भाई तो फाइनली सब सेट हो चुका है व्लॉग बहुत लंबा होने वाला है पूरा देख के जाइए हाँ पूरा देख के जाइए लो देखो शादाब भाई दा फॉलो करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें शादाब भाई दा मेहनती आदमी मुझे नहीं पता उस लाल वाले बटन पे तोड़ो फोड़ो घुसा मारो लाल मारो मुझे नहीं पता वही हो बजना चाहिए बढ़िया कुछ ना कहो इसमें पी बहुत आज कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक बहुत पी बात तो है मुरादाबाद से चला था तब से राम टपकाते हुए आ रहा था कोल्ड ड्रिंक पीने फाइनली देख सकते हो पूरा डीसीएम भर गया भाई और सारा सामान सेट हो गया ले आओ ले आओ ले आओ खड़ा हुआ देख रहा कुछ कर ही ले भाई भाई ओ ये जो मैंने बलिदान दिया इसका कुछ खिलवा दो मुझे टायर के साथ चिपका के ना चलो भाई बलिदान के बदले आगे भाई खाना खिलाएंगे।
क्या कह रहा हूँ भाई, मुझे पसंद है हलवा। हलवा पूरी तले, यहाँ पूरी, यहाँ हलवा, यहाँ पूरी, पेट खराब हो, मन खराब हो, निकलेगी पूरी, हलवा सेफ है। इतना कर रहे शौकीन हो हलवे के, मतलब ये उन्होंने पट्टी लगाई टेबल बेटा, इंजेक्शन मना कर रहे थे। ओ इंजेक्शन तो लोहे में लगता है पागल, अरे ना छिलने के बाद, खून निकलने के बाद इंजेक्शन लगना कंपलसरी होता है, ना कि लोहा, ना प्लास्टिक, ना घिसा हुआ, ना छिला हुआ, खून निकल गया तो लोहा कंपलसरी। अच्छा इंजेक्शन लगना चाहिए, कल पूरा दिन टेटनिस का, खून निकल गया तो टेटनिस कंपलसरी है, लगवाना चाहिए। हाँ भाई शुभम भाई लगवा लियो फिर, अपने फ्लैग वाली लाइट लगी हुई है यहाँ पे, कितनी बढ़िया लग रही ना। ये ना है ये नहीं है, वापस जा रही घर में दोनों मेहनती हो भाई, संभाल के संभाल के, लटा दे लटा दे ये लटा ये रोड पे लेट जा बीचो बीच में। अब क्या कर रहा हूँ बहुत ही बड़ा वाले बीचो, मतलब हाईवे के बीचो बीच में पलंग बिछा रहा है यार भाई, मुझे भी दे दो यार। अच्छा तुम वही वही अभी हम पता क्या ले रहे हैं, दो जो उंगली कटी है ना पूरा फोटो ले रहे हैं और ये भेज देंगे, बोले हमारी कटी उंगली है ये। हाँ ये आदमी भी इसीलिए भाई साहब ये इनकी उंगली कटी है और हम सब आपस में ग्रुप में वो फोटो मांग रहे हैं ताकि हम जो घर वालों को भेजें उन्हें तड़पाएं कि हमारी चोट लग गई, एक की उंगली से चारों का काम होगा, कितने घर बस रहे हैं एक की उंगली से, इस आदमी ने खून पसीने से हमारे घर बलिदान 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 जाओ। 9:01 हो चुके हैं और हमारी लोडिंग हो गई कंप्लीट, तो अभी हम लोग खाना खाने के लिए रुके हुए, खाना खाने के बाद हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। भेजाओ भेजाओ बैठो 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 भाई साहब, अभी हम लोग जस्ट निकल चुके हैं घर के लिए, खाना बड़ा जबरदस्त है, खाना खाना था भाई बहुत अच्छा था, खाना मैंने पेट भर के खाया भाई, पेट भर के मुझे यही चाहिए, तुम्हारा पेट भरना चाहिए, देखो मैं भूखा रह जाऊं कोई बात नहीं, तुम्हारा पेट भरना चाहिए, तुम सब दिल्ली मोहब्बत है। पर भाई मैंने खाना तो खाया, पर ये दोनों, ये भाई अमान भाई, अरे ये भाई सदा भाई, ये सब नाम का आशिक भाई साहब, ये घूरे जा रहे थे, खाना नहीं खाने दिया इन दोनों ने, मेरी तो उंगली टूटी हुई है, एक हाथ से खा रहा था बेचारा, एक हाथ से खा रहा था मैं, रोटी भी एक हाथ से तोड़ना भाई साहब, भैया कुछ कह रहे हैं, इनकी तो उंगली दो लेवल लगी चोट, मुर्गे की टांग होती है दो, इन्होंने चार खाई है, अब बताओ सफेद झूठ सफेद झूठ सफेद झूठ भाई, और मुझे टांग तो मैंने खाई नहीं है, टांग तो तुम्हें दी थी, चलो टांग दे दी, मुर्गा तो पूरा तभी खा, गर्दन भी तुम्हें दी, ठंड लग रही है। अबे यार सामान हमने सारा लूट करा दिया था, अभी हम लोग डीसीएम के पीछे, अरे यार भाई ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, मजा आ रहा है, अच्छा ध्यान रखना, बड़ा एहसान है, बड़ा शुक्र है मालिक का, और तुम दोनों को मजा आ रहा, अरे बहुत, मैं तो भाई बढ़िया मौज में रहता हूं लाइफ में, फर्स्ट टाइम डीसीएम के पीछे बैठ के जा रहा हूं भाई साहब, हाँ यार बड़ी तेज आवाज़ चल, अबे यार डर लग रहा है, पेड़ों में कोई उड़ के ना जाए, भाई साहब अभी बड़ा खतरनाक कांड हो गया यार, पता ही क्या हुआ, और ये बताएंगे हमें शुभम भाई और शताब भाई, तो क्या हुआ भाई साहब, अभी आपने पीछे देखा कि हम रिकॉर्ड कर रहे थे और उसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मेरा ध्यान था रास्ते पर हमारे अमन भाई ने बोला कि ये तो रिकॉर्डिंग ऑफ है, गलती से मिस हो गया वो कैप्चर, तो दोबारा हम रिकॉर्डिंग करने लगे, इतने में हम रास्ता भटक गए, हमारे ड्राइवर को रास्ता पता नहीं था और उन्होंने सीधा ले लिया, हमें लेफ्ट जाना था, और भाई साहब आगे गए हैं हम कम से कम 6 किलोमीटर और 6 किलोमीटर रिटर्न आए हैं, और ये भी बात मैंने बताई भाई को, चाचा हम मुड़े नहीं,
हम तो सीधे आ गए, जब हमने देखा तो हम देहरादून की तरफ जा रहे थे, तभी तो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, मजा आ जाता है, और वहाँ पे ठंड इतनी ठंडी हवा चल रही थी। तभी हमने अपने ड्राइवर साहब को फोन मिलाया, ड्राइवर साहब गाड़ी यू टर्न लो, अब गाड़ी आगे नहीं जाएगी। और गाड़ी यू टर्न लेके हम फिर लेफ्ट राइट टर्न लेंगे, क्योंकि उधर था राइट टर्न था, राइट टर्न लेके हम अपने मंजिल की ओर है। थोड़ा गर्म मौसम, बढ़िया चल रहे हैं, मजा आ रहा है, कुछ भी कहो। आकिब भाई बताएंगे, और बताइए आकिब भाई। वो तो सब ठीक है, इन्होंने बता दिया, मगर उस आदमी की बहुत खुल और बंद रही है। दिखाओ उसे, इनको बहुत ठंड लग रही है, कुछ बोला नहीं जा रहा इनसे। ये हमारा दोस्त दोस्त नहीं है, ये ठंड और गर्मी बताने का मीटर है। इधर वाला। जब हम कहीं दूर जाते हैं या कुछ होता है तो हमें सब चीजें बार बार देखनी पड़ती है, ठंड और गर्म, तो हम उल्टी करके ना आसमान की तरफ कर देते हैं, तो इनका बट्टा खुल जाता है, ठंड है तो गर्मी कट कर दूंगा, बाकी पूरी बात डालूंगा। ये भी डालना को देगा, बीप करवा रही है साली। भाई साहब सुन लिया तुम लोगों ने क्या कांड हुआ था, शुभम भाई अगर नहीं बताते, आगे अपने भी ध्यान नहीं देता। हम तो भाई आपसे कहते मेरा भवोना ना एरिया, हम तो भाई देहरादून पहुंच जाते, लेकिन फिर रिटर्न आए तो अभी सही रूट पे चल रहा है। सही बात है, सही बात है। अरे क्लियर आवे ना आवे, मेरी आवाज जनता तक पहुंची चाचा के खिलाफ। बताओ बताओ, इन चाचा को सारी चीजें याद थी, बगावत बगावत। इन्होंने 12 किलोमीटर इन्होंने चलवाया, अभी थंबनेल के लिए फोटो के लिए था, थंबनेल वो भी नहीं याद था, इन्होंने बताया ही ना, ठंड लग गई। इनसे पूछो जवाब लो इनसे, यही बात थी, बगावत हो गई, बगावत चाचा, बगावत। खाना निकाल दिया इन दोनों ने, किन दोनों ने, इन दोनों ने निकाल दिया दोनों ने। कम्बल निकल रहा है भाई, लग रही है ठंड से, हट। अरे अरे अबे मान जा साले, दहेज है, अबे अबे रहने दो, अबे निकाल दिया भाई, दहेज का कम्बल निकाल लिया उड़ने के लिए, कम्बल है चार का, अबे संभाल के रख, ये दबा दे नीचे, देख जूतों में ना आवे यार, ये हार्ड भी खा लूंगा, ठंड लग रही चारों का भाई साहब, दहेज का कंबल निकाल लिया हमने अभी। ये अब मिला सुकून भाई साहब, अरे अंदर को आ जाएगा, खुदा पड़ा अब अंदर को तो ऐसे कह रहा कमरा पूरा। यार कितना सुकून मिला, कंबल उड़ गया ना, बैठे सही से ना बैठे, सही से बैठने के लिए कितनी स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ का जो सामान था उधर शिफ्ट कर दिया, इधर को आ जा, बढ़िया अब बैठे ना सही से, हाँ बढ़िया बैठे, शुक्रिया भाई, अब शीशा, अब शीशा बैठा तू इस पे, अबे बेटे फोर बना देंगे, हाँ भैया, अबे बेटे फट जाएगा, अबे देख 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 कोने में घुस गया, अबे ढक्कन उतर गया, ला 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 ढक्कन लगा, अबे क्या बंद पैक करेगा इसे, भाई बेटे डायरेक्ट की आवाज ना लग रही, बस और क्या चाहिए, और तुम ये देखो कि रास्ता कौन सा जा रही है, कम्बल इतनी बढ़िया क्वालिटी का, इतना मोटा कम्बल है, हवा तो बिल्कुल पास ही नहीं हो रही, अब मिला सुकून, लाल यार मजा आ गया, बहुत सुकून मिला, वरना अगर घर तक ऐसे चले जाते बिना कम्बल के तो भाई सिर में दर्द हो जाता है, वही शदाब भाई कर पाते ना शादी ना बारात, हाँ कुछ नहीं कर पाते ना बारात ना वलीमा, ऐसी तबीयत खराब है घर पे, भाई साहब 2:30 बज रहे और सारा काम निपटा दिया, जो दहेज वगैरह लाए थे हम नीचे सब फिक्स करा दिया रूम में, अभी मैं आकिब के घर में ही हूँ और हम रूम में आ गए, मैं और शताब भाई, वो दोनों नीचे हैं अभी, वो भी आ रहे हैं फ्रेश फ्रेश हो गए। लाल हमने ये गेट खोला ना, कितनी प्यारी हवा आ रही यार, आ गए भाई, अभी बड़ी तेज की नींद आ रही, सिर में दर्द हो रहा है, चलो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना भाई, नई वीडियो मिलेगी अभी आपको, रात की मिलेगी और रिसेप्शन की मिलेगी, तो अभी हम लोग सोने जा रहे हैं, तो चलो फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।